अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, और जो कि हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। माइक्रोवेव में हम इसे बहुत ही कम टाइम में भी बनाएंगे, साथ ही इसमें तेल का इस्तेमाल भी बहुत कम होगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने लिया है माइक्रोवेव सेफ़ ग्लास बोल, आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ़ बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है गोभी आलू मटर को, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके चॉप कर लिया था। गोभी को और आलू को आप अपनी पसंद के किसी भी आकार में काट लें। गोभी के फूल ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं मैंने, क्योंकि हम जब गैस पे बनाते हैं तो चम्मच ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से फूल टूट जाते हैं। तो इसमें मैंने वही साइज़ रखा है जो मुझे फाइनली रखना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 100 ml पानी। पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट के लिए मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव सेफ स्टीमर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। हमारी सब्जियां इस वक्त 80% तक कुक हो चुकी हैं, और इसमें जो भी एक्सेस वाटर है हम इसको निकाल देंगे और सब्ज़ी को ड्रेन करके एक साइड में रख देंगे, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उससे पहले मैं आपको चेक करा देती हूँ, सब्ज़ी हमारी 80% तक गल चुकी है अच्छी तरह से। फिर से माइक्रोवेव सेफ बाउल में हम लेंगे ऑयल। तो 1.5 tablespoon ऑयल मैंने लिया है। देख सकते हैं आप कितने कम तेल में हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। और एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें 1 teaspoon ज़ीरा और 1 चुटकी हींग। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप काट कर डालना चाहते हैं तो काट कर भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ऑयल हर एक चीज़ में अच्छी तरह से लग जाए। और अब मैं इसको रखूँगी 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव के होने के लिए। तो 3 मिनट बाद हम इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से सभी सब्ज़ियाँ भुन गई हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 medium size की कटी हुई हरी मिर्च और 1 medium size का टमाटर, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। मिला देंगे सभी चीज़ों को, और टमाटर के साथ ही मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। 1/4 teaspoon मैंने हल्दी यूज़ करी है, 1 teaspoon सॉल्ट और 1/2 teaspoon गरम मसाला। और अपने पसंद के आप जो भी मसाले इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो बस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करूँगी। और 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सभी सब्जियाँ जो कि हमने 80% तक कुक करके रखी थी। और इसको ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो भी मसाले हैं वो सब सब्जियों के साथ मिक्सअप हो जाएं। और ये सब सब्ज़ी मिक्स करने के बाद मैंने इसका नमक चेक किया था, तो नमक थोड़ा मुझे कम लगा। तो 1/2 teaspoon नमक मैंने इसमें और ऐड किया है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च को ऐड कर लें। तो 5 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं, और ये फाइनली गल भी चुकी हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्लावर हमारे टूटे नहीं हैं इसके। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको और माइक्रोवेव करूँगी, और उससे पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हरा धनिया मैंने बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। तो बस इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो बस लीजिए, बनके तैयार है गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम तेल के साथ। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को 1 time सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। फी अमान अल्लाह।